है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप ऑल ऑफ़ यू डूइंग वेल। तो आज बनाऊंगी फ़िश, और यहाँ पे मैंने करीबन 800 ग्राम फ़िश लिया है, जो कि है कतला फ़िश, बंगाली में बोलते हैं। तो कतला फ़िश मैंने ले लिया है। अब इसमें नमक, हल्दी मिर्ची पाउडर डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, ऐड करूंगी थोड़ा सा हल्दी, और अच्छे से कर लूंगी इसे मिक्स इस तरीके से। तो मैंने अच्छे से इसमें फ़िश में मैंने मसाले वगैरह अच्छे से मिक्स कर लिया है। मसाले में तो मिर्ची पाउडर, हल्दी और नमक की है, क्योंकि हम लोग जब भी फ़िश फ्राई करते हैं यही डाल के फ्राई करते हैं और कुछ नहीं डालते इसमें। तो यहाँ पे मसाला मिक्स हो चुका है, और कढ़ाई पे रख दिया था मैंने ऑयल थोड़ा सा हीट होने के लिए। तो ऑयल जो है वो हीट हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके फ़िश को छोड़ दूँगी। तो सारे फिश को मैंने छोड़ दिया है। अब धीरे धीरे इसे मीडियम फ्लेम पे गैस को रख के धीरे धीरे फ्राई कर लूँगी। तो वन साइड हो चुका है। अब एक एक करके फिश को मैं यहाँ पे पलट दूँगी। तो ये जो मैं फ़िश की रेसिपी बना रही हूँ एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ, और नए मार्केट में आलू आया है नया वाला, तो वो नए वाले आलू से बनाऊँगी, और काफ़ी टेस्टी बनता है गाइस। आप लोग बना के देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब जो है फिश को मैं निकाल लूँगी। और आप लोगों ने देखा है जो प्याज और आलू जो बारीक बारीक मैंने कट करके रखा था, उसका मैंने दूसरा ही एक रेसिपी बनाया है, जो कि फ़िश की जो हेड से बनाया है मैंने। अगर वो रेसिपी आप लोग किसी को जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कभी वो रेसिपी भी आपको बना के दिखा दूँगी क्या बनाया मैंने उसका। तो यहाँ पर मैंने फ़िश फ्राई हो गया है मेरा। अब जो है उसी तेल में, और तेल में ऐड नहीं करूँगी, उसी तेल में मैं डाल दूँगी यहाँ पे थोड़ा सा जीरा। अब जीरा डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी प्याज और लहसुन, जो कि मैंने पेस्ट किया है। ओनली प्याज और लहसुन, इसके अलावा कुछ भी नहीं मैं डाल रही हूँ इसमें। कुछ स्पेशल मसाला नहीं है, जो घर पे रहता है उसी मसाले से ही मैं सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज और लहसुन पेस्ट किया हुआ वो मैं डाल दे रही हूँ, और बीच बीच में मेरे बच्चे लोग का रोना धोना रहता ही है छोटे वाले का, तो माइंड मत कीजिएगा, उसका भी आवाज़ आएगा वीडियो में, क्या कर सकते, छोटा बच्चा है तो बीच बीच में वो रोता है। कभी कभी तो गोद में लेके भी मैं खाना बनाती हूँ, तो वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाता है उसकी आवाज़। अब जो है यहाँ पे कांदा और प्याज और लहसुन की पेस्ट मैंने ऐड किया है। अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, मिर्ची पाउडर और हल्दी। तो यहाँ पे अभी ऐड करूँगी मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊँगी इसको, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ज़्यादा डाल रही हूँ, और थोड़ा सा नमक, तो अब जो है मसाले में मैंने डाल दिया यहाँ पे हल्दी, और अच्छे से इसे भून लूँगी मसाले को। तो एकदम कम थोड़ा सा मसाले में ही मैं बना रही हूँ, ज़्यादा मसाला मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है।
तो मसाला भुन चुका है, अब इसमें ऐड कर दूंगी आलू। और आलू जो लिया है वो एकदम फ्रेश वाली, और जो नया आलू आता है मार्केट में वो नया वाला आलू यूज़ कर रही हूँ, और ये खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। तो अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो अब जो है इसमें पानी ऐड कर लूँगी। तो अब सब्ज़ी में उबाल आने के लिए वेट करेंगे। तो सब्ज़ी में उबाल आ चुका है, ये देखिए पूरा उबाल आ चुका है। अब इसमें एक एक करके फिश को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने सब फिश इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे ढक के पकाऊंगी अराउंड 15 मिनट तक। तो 15 मिनट हो चुका है गाइस, 15 मिनट बाद देखिए एकदम सब्ज़ी जो है प्रॉपर रेडी हो गई है। तो ये हम राइस के साथ खाएंगे, तो ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे भी ऐड करूँगी मैं गरम मसाला। जो कि एवरेस्ट का है। तो यहाँ पे गरम मसाला ऐड करने के बाद बन गया है आज का रेसिपी फिश करी। तो देखिए फाइनली कितना अच्छा लग रहा है सब्जी। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।